टाइम्स की विशेष पेशकश आपनो गांव आपनी खबर वीडियो न्यूज बुलेटिन में स्वागत अभिनंदन। आइए देखते हैं हमारे उपखंड क्षेत्र के आज 8 मार्च 2020 की खास खबरें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर निकाली महिला सशक्तिकरण रैली, महिलाओं का किया सम्मान। गांव मोमा सर्वे चंद प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी लिया होली उत्सव का आनंद। श्री डूंगरगढ़ हाई स्कूल में पूर्व विद्यार्थियों ने उठाया संसाधन जुटाने का जिम्मा। पूर्व विद्यार्थी स्नेह मिलन समारोह रहा सफलता भरा। गोरक्षनाथ बस्ती वीर तेजा कॉलोनी के नागरिक नहीं मनाएंगे होली। धरना लगातार क्षेत्र में दिन भी जारी। बिकाबास नाला प्रकरण में पालिका कार्मिकों के साथ धक्का मुक्की। राजकारी में बाधा का मुकदमा दर्ज। आइए देखते हैं अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाओं के साथ। आज श्री डूंगरगढ़ में भी नारी सम्मान का दिन मनाते हुए 13 महिला मंडल ने महिला सशक्तिकरण रैली निकाली व महिला प्रेरणा सम्मान समारोह का आयोजन किया। नेशनल हाईवे से शुरू हुई रैली को सब इंस्पेक्टर लाल बहादुर मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया एवं रैली में महिला मंडल कन्या मंडल सहित विभिन्न स्कूलों व कॉलेज के छात्राओं सहित महेश्वरी समाज सिंधी समाज की युवतियों ने अपने स्कूटी के साथ भाग लिया। रैली के मालू भवन पहुंचने पर सेवा केंद्र व्यवस्थापिका साध्वी कनक रेखा जी और सूरज प्रभा जी के सानिध्य में प्रेरणा सम्मान समारोह आयोजित हुआ जिसमें श्रीमती दापुदेवी डागा श्रीमती चंद्रकला बोरड श्रीमती कृष्णा गहलोत व विजय लक्ष्मी पारिक को प्रेरणा सम्मान देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में तेजकरण डागा श्रीमती संगीता दुगड़ अंबिका डागा चंद्रकला बोरड तमन्ना जाबक ने अपने विचारों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का संचालन आकांक्षा दुगड़ ने किया व आभार ज्ञापन मंडल के मंत्री मधु जाबक ने दिया। इसी प्रकार तहसील के सबसे बड़े गांव मोमासर में भी महिला दिवस कार्यक्रम सरपंच सरिता देवी संचेती की अगुवाई में आयोजित किया गया। इस मौके पर महिला सशक्तिकरण रैली का आयोजन भी किया गया एवं विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों को महिला सम्मान का संकल्प दिलवाया गया। Oh,
घोड़ी पर बारात का स्वांग निकाला गया जिसमें युवाओं ने जमकर नृत्य किया व आनंद लिया। इसी प्रकार श्री डूंगरगढ़ कस्बे में भी होली का रंग हर ओर चढ़ा नजर आ रहा है। कस्बे में मोमा सरवा से स्थित गीदड़ मैदान में एवं बीकापास में चंद धमाल कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने विभिन्न स्वांग रचा कर होली का आनंद लिया। संसाधन उपलब्ध करवाने का जिम्मा इस विद्यालय में पढ़े हुए पूर्व विद्यार्थियों ने उठाया है। यह जिम्मा रविवार को हाई स्कूल में आयोजित प्रथम पूर्व विद्यार्थी स्नेह मिलन समारोह में पूर्व विद्यार्थियों ने लिया। विद्यालय प्राचार्य आदुराम जाखड़ ने बताया कि स्नेह मिलन की अध्यक्षता पूर्व शिक्षक ताराचंद सारस्वत, बजरंग लाल ओझा, लीलाधर सारस्वत, भंवरलाल जानू, राजीव श्रीवास्तव ने करते हुए पूर्व विद्यार्थियों को विद्यालय से जुड़कर संसाधनों का विकास करवाने की अपील की। कार्यक्रम में वर्ष 1959 से लेकर 2011 तक के पास आउट विद्यार्थियों ने भाग लिया एवं परिचय से शुरू कार्यक्रम में पूर्व विद्यार्थियों ने विद्यालय विकास के लिए कई प्रस्तावों पर चर्चा कर विभिन्न घोषणाएं की। कार्यक्रम में यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरिराम बाना की अगुवाई में यूथ कांग्रेस द्वारा विद्यालय में 400 मीटर दौड़ ट्रैक बनवाने व लॉयंस क्लब श्री डूंगरगढ़ ग्रेटर द्वारा विद्यालय में गार्डन विकसित कर गार्डन गोद लेने, तोड़ाराम जाखड़ की अगुवाई में सामूहिक रूप से गणित विषय के अध्यापक की उपलब्धता करवाने, विद्यालय में पढ़े सरपंचों द्वारा नवनिर्मित प्रवेश द्वार से प्राचार्य कक्ष तक सीसी ब्लॉक सड़क का निर्माण करवाने, पूर्व विद्यार्थी रामस्वरूप प्रजापत द्वारा प्राचार्य कक्ष का नवीनीकरण करवाने की घोषणा की गई। कार्यक्रम में पूर्व छात्र परिषद का गठन करते हुए सर्वसम्मति से जुगल किशोर तावड़िया को अध्यक्ष एवं तोड़ाराम जाखड़ को महामंत्री मनोनीत किया गया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व विद्यार्थी डॉक्टर शंकर जाखड़, सत्यनारायण भोजक, महावीर माले, रमेश कुमार शर्मा, पवन सारस्वत, कन्यालाल सारस्वत, जितेंद्र सुथार, नवीन स्वामी आदि ने विचार व्यक्त किए एवं कार्यक्रम में विमल भाटी, भगवान नाथ कलवाणिया, एडवोकेट अन्नाराम गोदारा, डॉक्टर सुरेश जाखड़, राकेश सैनी, राजकुमार शर्मा, प्रभुराम गोदारा, भगवानाराम गोदारा, राम प्रताप जाखड़, महेश तावड़िया, सरपंच ओम प्रकाश बाना, हेतराम गोदारा, जसवीर सारण, मोहन स्वामी, पूर्व सरपंच लेखराम गोदारा, जिज्ञासु सेठ, रेवतराम खिलेरी, हरिराम पटवारी, सुशील सेरड़िया, दिलीप सेरड़िया, एडवोकेट ओम प्रकाश जाखड़ सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों, विभिन्न सेवाओं में सेवारत विद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों की उपस्थिति रही। राज्य
राजनीतिक, आपराधिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक समाचारों को प्राप्त करने के लिए आप जुड़िए श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के साथ। आप श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। सादर धन्यवाद। शुभ रात्रि।